तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्योर और इम्प्योर मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्योर मेथड्स आपके क्या होते हैं। तो जो प्योर होते हैं वे प्योर मेथड्स होते हैं। तो आपकी बुक में लिखा होगा कि प्योर मेथड्स वे होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये देखेंगे, स्टेट जो होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो किस पे डिपेंड करती है? देखिए, वो प्रॉपर्टीज मतलब उसके एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करती है। एट्रीब्यूट्स बोले तो उसके वेरिएबल्स पर। ठीक है, और दूसरी बात थी कि अगर हम इसको सेम आर्ग्यूमेंट्स पास करें, क्या अगर हम इसको सेम आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो जो ये वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना, वो सेम ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थ्योरी इतनी समझ नहीं आई क्या पता आपके। तो चलिए, तो सपोज करिए हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, वो उस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर पब्लिक, और इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पर कर देते हैं इंटीजर। ठीक है, तो एक इंट की वैल्यू रिटर्न करने वाला है और ये सम करेगा दो वेरिएबल्स का, इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स का सम करने वाला है। एक वेरिएबल हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं इंट सम नाम से। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम जीरो सेट कर देते हैं। फिर ये क्या करेगा, हम यहाँ पर इसके अंदर कर देंगे कि सम इक्वल टू ए प्लस बी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करा सकता था ए प्लस बी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सम नाम से एक अलग से वेरिएबल बनाया है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट की स्टेट समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा सम को। ठीक है, तो इतना काम हमने यहां पर कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर मेन मेथड के अंदर जाकर, ठीक है, मेन मेथड के अंदर जाकर हम यहां पर कॉल करा देते हैं सम 2,5। तो अब उसको कॉल कराने के लिए देखिए, स्टैटिक मेथड तो नहीं है, तो हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सपोज करिए मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूं। सपोज करिए क्लास का नाम हमारा सम ही है। ठीक है, कैपिटल एस है यहां पर, ओ बी इक्वल टू न्यू सम। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक ऑब्जेक्ट की मदद से हमने सम वेरिएबल को कॉल करा दिया। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ob डॉट सम 5,7। ठीक है, और इसको हम SOPLN के अंदर डालेंगे क्योंकि ये कुछ स्टेटमेंट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसको SOPLN के अंदर, तो देखते हैं एक बार। देखिए, जब ये होगा तो क्या होगा, 2,5 जाएगा। अब सम की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी, 2 इसके अंदर जाएगा, 5 इसके अंदर, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 हो जाएगी, और फिर ये 7 को रिटर्न करा देगा। इसका आउटपुट क्या होने वाला है, 7। तो अगर मैं यहाँ पर भी 2,5 ही करूँ तो क्या होगा, फिर ऊपर जाएगी, 2,5 हो जाएगा, फिर से सम की वैल्यू 7 होगी और ये फिर से 7 रिटर्न कर देगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर करके देखे ob डॉट सम, ठीक है, ऐसे यहां पर लिख कर देखे, ठीक है, ये जो सम है हमारा वेरिएबल है और ये जो सम है हमारा, ये क्या है, फंक्शन है। तो अगर हम खाली ऐसे लिखे ob डॉट सम, तो इसकी वैल्यू आपकी कितने आने वाली है, इसकी भी 7 आएगी, क्योंकि हमने सम यहां पर a प्लस बी कर दिया था। ठीक है, तो मतलब कि स्टेट का मतलब क्या हुआ, उसके वेरिएबल्स। ठीक है, अगर उसकी वेरिएबल में कुछ चेंज होता है हर बार, जैसे हम उसके किसी भी मेथड को कॉल करते हैं, जैसे कि हमारा एक मेथड है जो कि प्योर मेथड है, तो जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की कोई स्टेट चेंज होती है तो वो इम्प्योर होगा, अगर नहीं होती तो वो प्योर होगा। जैसे कि यहाँ पर सम है हमारा, तो इसकी क्या स्टेट चेंज हुई, जब हमने सेम आर्ग्यूमेंट्स पास कराए। अगर आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो स्टेट तो चेंज होगी, देखो, लेकिन अगर आप सेम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं हर बार तो स्टेट चेंज नहीं होने वाली है, अगर वो मेथड प्योर है। तो देख सकते हैं आप इसकी स्टेट क्या चेंज हुई इस ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक वेरिएबल है सम नाम से, ठीक है, उसकी वैल्यू 7 थी जब हमने ये आर्ग्यूमेंट्स पास कराए। अगर हमने फिर से ये आर्ग्यूमेंट्स पास कराए तो अगली बार भी उसकी वैल्यू 7 ही थी, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई है। तो ये तो बात हो गई आपकी प्योर मेथड्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्योर मेथड्स के बारे में। इम्प्योर मेथड्स वे होते हैं जो स्टेट चेंज कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और अगर आप उनको सेम आर्ग्यूमेंट्स दो तो वो हमेशा अलग अलग वैल्यूज देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने मैथ डॉट्स रैंडम मेथड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैथ क्लास होगी हमारी कोई, उसका एक इंस्टेंस मेथड होगा ये रैंडम मेथड, तो हम इसको इम्प्योर मेथड कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इसको कॉल करते हो ना, तो जो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो हमेशा अलग ही होती है। क्या है, आपको 0.1 हमेशा यही देगा, नहीं, ये 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू देगा, 1 इंक्लूसिव नहीं होती। ठीक है, तो ये हर बार कुछ अलग वैल्यू देता है, और आर्ग्यूमेंट्स इसको आप कोई पास कर नहीं रहे हो, देख सकते हो आप हर बार ऐसे ही कॉल कर रहे हो नॉर्मली,
तो इम्प्योर मेथड्स वे मेथड्स होते हैं जिनको आप सेम आर्ग्यूमेंट्स पास कराने पर भी हर बार अलग वैल्यू दे और ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर दे। तो सपोज करिए आपके पास एक क्लास है, ठीक है, तो हाँ एक लोकल शॉप का मान लेते हैं जहां पर वो खाता खोल रखा है किसी का उसने, है ना, हाँ उधार चलता है आपका, तो फिर उसने आपका एक खाता खोल लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट मनी, ठीक है, तो इसके अंदर वो आपका जो जितना भी उधार होगा वो इसको इसके अंदर स्टोर करा लेगा। फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल सॉरी एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड और एड, ठीक है, ये क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, कुछ पैसे लेगा कि भाई कितने पैसे आपके जो उधार है आपने कितने पैसे का उधार लिया है, तो फिर ये ऐसे ही मनी के अंदर ऐड करा देगा। तो सपोज करिए हम एम नाम से वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, फिर क्या करेगा ये, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, जैसे ही आपने उधार लिया तो फिर हम ऐड मेथड को तुरंत कॉल कराएंगे कि भाई आपने उधार ले लिया, ठीक है, हम भूलेगा थोड़ा, भूलेंगे नहीं, अगर आप उधार लोगे तो भूलेंगे नहीं। तो इसने क्या किया, एम प्लस इक्वल एम करा दिया, सॉरी मनी प्लस इक्वल एम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मनी इक्वल एम कराओगे तो आप क्या करोगे, एक दिन एक रुपए का उधार लोगे और मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, है ना। हमको प्लस इक्वल कराना पड़ेगा क्योंकि हमको हर बार जोड़ना है, ठीक है, हाँ तो इतना। हाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर जाते हैं और सपोज करिए मनी नाम से हमारी क्लास है और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू मनी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओबी डॉट एड, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 500 रुपये आपके खाते में चढ़ा देता हूँ, आपने 500 रुपये का उधार लिया। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं मनी को प्रिंट कराता हूँ। अब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं, इसलिए हमने println के अंदर नहीं लिखा, लेकिन हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं फिलहाल की मनी की वैल्यू क्या है आपकी, मतलब जो आपका उधार है वो कितना हो चुका है। तो जैसे ही हमने ऐड को कॉल किया 500 गई इसके अंदर और मनी प्लस इक्वल एम, मतलब मनी की वैल्यू यहाँ पर 500 हो जाएगी। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आउटपुट देने वाला है आपको 500, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक वेरिएबल है मनी, उसकी वैल्यू है आपकी 500। फिर से हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से फिर से आपको ऐड मेथड को कॉल करा दिया और इस बार फिर से हमने सेम आर्ग्यूमेंट्स दी, सेम आर्ग्यूमेंट्स मतलब 500 ही दिया। फिर से हमने 500 दिया तो क्या होगा, यहाँ पर 500 आएगी और मनी प्लस इक्वल एम, मतलब 500 प्लस 500 हजार, क्योंकि मनी की वैल्यू पहले 500 हो चुकी थी। तो इस बार क्या होगा, ओबी के अंदर मनी नाम से कोई वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो आप देख सकते हो स्टेट मैंने अभी बताया था आपको ऑब्जेक्ट की, उसके एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करती है। अब आपको एट्रीब्यूट्स नहीं पता, फंक्शंस नहीं पता, तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, इसीलिए पहले आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, इन सब की वीडियो चैनल पर पड़ी है, देख सकते हैं आप जाकर, ठीक है। और पूरे यूजर डिफाइंड मेथड्स की पड़ी है, एक टॉपिक रह गया था तो मैं इस पर फिर से बना रहा हूँ, हाँ, और हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, तो आप देख सकते हैं आपने पहले 500 आर्ग्यूमेंट पास कराई, फिर से 500 आर्ग्यूमेंट पास कराई, मतलब सेम आर्ग्यूमेंट। और इसकी स्टेट क्या थी, पहले ये स्टेट थी और फिर ये, मतलब इसकी स्टेट क्या हुई, बदल गई, है ना, स्टेट इसकी बदल गई। तो यही इम्प्योर मेथड है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, हो सकता है हम कोई मेथड बना दे जो वैल्यू रिटर्न करता हो, जैसे कि एक मेथड बना सकते हो आप गेट मनी नाम से, और वो क्या करेगा, इस मेथड को सॉरी इस वेरिएबल को रिटर्न करेगा, तो उसकी भी वैल्यू हर बार अलग होगी, है ना, हाँ। तो इंप्योर मेथड्स जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू रिटर्न करे ही, लेकिन हाँ वे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके प्योर और इंप्योर मेथड समझ में आए होंगे क्या होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपके कोई डाउट है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।